हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कहिए, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परवीन क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो आज है दिन शुक्रवार का और अभी टाइम हुए है सुबह के 11 बजे है और काम हो चुका है पूरा। सुबह का काम फटाफट से कर दिया था, तो साफ सफाई वगैरह खाना पीना सारा काम निपटा दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नरेला मार्केट में, घर का कुछ सामान लेके आना है तो उसकी लिस्ट बनाई थी अभी बैठ के यहाँ पे। तो थोड़ा सा सामान है जो किचन का है और एक आध और चीजें हैं छोटी मोटी, तो वहीं से जाके लेके आते हैं सीधा नरेला से ही। और यहाँ से तो ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है और फिर वहीं से लेके आते हैं इकट्ठा। तो किचन का सामान लेके आऊंगी, राशन वगैरह और थोड़ा बहुत एक आध और चीज है छोटी मोटी, तो वो भी लेके आऊंगी। उससे पहले जाना है बैंक में, कल भी गए थे बैंक में, बैंक का काम हो नहीं पाया तो आज पहले। तो फिर अब चलिए चलते हैं, और वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये है हमारा रास्ता नरेला जाने का, और ये एकदम सड़क टूटी हुई है, यहाँ खेतों से निकल के जा रहे हैं तो। और रास्ते में दोनों साइड इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है खेतों में, अभी भी बारिश का, ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है, इनमें कुछ भी नहीं बोने वाला। पता नहीं कब ये पानी सूखेगा, कब कुछ होगा इनमें। तो दोनों तरफ रोड के इसी तरह पानी भरा हुआ है। अब हम बस पहुंचने वाले हैं नरेला में। तो यहाँ पे ये गर्म कपड़े रखे हुए हैं, थान गर्म, ये दे रहे हैं 130 रुपये मीटर, 150 रुपये मीटर, कोई 130 है कोई 150 है। तो ये चेक में है, काफ़ी चला हुआ है ये चेक भी। और ये है नाइट ड्रेस बनाने के लिए बच्चों के लिए या फिर वैसे ही। तो ये है नरेला की मार्केट, यहाँ पे अंदर आए हुए हैं हम मार्केट में। यहाँ पे बीड़ी बीड़ी सी गलियाँ हैं। चाहे जैसे मर्जी पहन ले रहे हैं मार्केट वगैरह में। सर्दी है ना, चप्पलें थोड़े मतलब कम आते हैं। और ये आमगी तो यहाँ पे दुकान, ये जो दुकानों के बाहर लगाई हुई है सेल, बच्चों के गर्म कपड़े हैं और पजामे वगैरह है गर्म। तो अब यहाँ का अंदर मार्केट का काम तो गया है, अब बाहर निकल कर लेंगे थोड़ा ग्रोसरी का जो सामान लेना है तो वो लेंगे। ये चावल करवा दिए, 3 किलो। देखियो ये भी ओके के लिए।
मुंह लखो रही है। काम पे गए भी ले पकड़िए तो जी बागे हम नरेला से शॉपिंग करके और टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। गए थे जब 11 नहीं पहले बजे हुए थे 11, उसके बाद में फिर नए तैयार हुए तो फिर बैंक में गए, तो वहाँ से काम करके निकले जब 12 बज चुके थे, तो अब आए हैं और 2:30 बज रहे हैं। तो सामान लेके आई हूँ, कुछ सामान तो ये है इस बैग के अंदर और ये रखा इसमें पैक करवा के लेके आए हैं, ये है सारा सामान। थोड़ी देर पहले रेस्ट करूंगी, चाय बना के पी लेती हूँ और रेस्ट करूंगी। और ये पीछे पीछे घूम रहा है दक्ष, घर का रसोई का सामान हाँ, वो खान भाई वो खान का ही है वो सारा सामान, बिस्किट ना है। दाल चावल बूरा खांड ये सब कुछ खान का ही सामान है, मैगी भी है। तो मैं बना ली हूँ भाई चाय पीने के बाद, और अभी ये बना रही है, ट्राई कर रहे हैं, अब लेके आए थे मैगी वालों की यही है। तो ये इसमें डाल दिया है, 2 कप पानी था और ये जो इसमें सामान था इसका दोनों में पास्ता था और ये चीज है, तो डालकर और ये अब रखेंगे बॉईल होने के लिए। यहाँ पे रखी हुई है चाय, तो देखते हैं कैसा क्या बनता है, कितना टाइम लगेगा और कैसी होगी हमारी मैक्रोनी चीज। तो आप इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। ये हो चुका हमारा पास्ता चीज मैक्रोनी चीज पास्ता होगा ना हाँ। ये तो ये हमारा रेडी हो चुका है, गर्मा गर्म है, तो आइए खाके देखिए। और ये इसने बनाया हमने लिए, तो चलिए फिर तो दिखा देती हूँ मैं आपको सामान, के सामान लेके आई हूँ मैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी भाई लेके आई हूँ मैट्रिक्स का हेयर स्पा, ये लेके आई हूँ मैट्रिक्स का कर लो जी। तो ये लेके आई हूँ, ये है 720 रुपए का दिया है और बोल रहे थे 725 रुपए का, मगर भाई 725 रुपए ले लें, 720 रुपए भी क्यों ले रहा है, छूट कर दी 5 रुपए की, मगर हाँ बहुत बढ़िया कर दिया बिना कहे छूट कर दी। और एक ही लेके आई हूँ कलर क्वीन की लिप बाम 75 रुपए की ये वाली, और इसमें तो वो ही है ये इनके खाने पीने का सामान है, ये है एक लेके आए हैं बोड़े का तेल, अब ठंड में बॉडी लोशन से कुछ नहीं होता तो उसके साथ साथ ये भी जरूरी है, अच्छा है ये बोड़े का तेल और तेल। और ये एलोवेरा लेके आई थी एक, मैं अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती तो बस एलोवेरा लगा लूँगी, बॉडी लोशन वगैरह या क्रीम वगैरह कोई कुछ भी नहीं लगाती तो एलोवेरा लगाती हूँ बस। और डॉक्टर ओटकर की फन फूड मियोनीज चाहिए थी इनको, मियोनीज है। और भाई एक ये लेके आए थे गुड नाइट का, ये खत्म हो रखा है हमारे वाले रूम का, तो डेंगू के बहुत ज्यादा फैल रहा है तो बल्ला भी लेके आ रखा है और पंखा भी चला लेते हैं और फिर भी कान में आके भी अपनी सुनाते रहे हैं, तो ऑल आउट खत्म हो रखी थी, ऑल आउट की नई मशीन ने लिया है, थोड़े दिन चलेंगे मशीन भी, तो ये मशीन है। और इजी गर्म कपड़े धोने हैं
नए सूट वगैरह तो इजी में दो हैं इजी, और एक निहार निहार नवरत्न आलमंड्स विटामिन ई नॉन स्टिकी हेयर ऑयल लेके आए हैं दक्ष के लिए। तो मेरा तो वो है वाव का, ये मेरा और चिंकी का शिका का, हम दोनों वो लगा हैं और दक्ष और उसके पापा ये लगा लेंगे और हमारे पापा लगा हुआ सर रुकाते हैं। और ये है एक हेयर मिल क्रीम वीट, एक ये अंडर आर्म्स के लिए, और एक ये है डॉक्टर ओटकर की पिज्जा पास्ता सॉस, ये और क्या है इसके अंदर, और तो भी यही है गर्म मसाले वगैरह की मसाले होते हैं। तो ये है जी मेरी शॉपिंग, ये ग्रोसरी का सामान नहीं लेके आए थे बस, ये पीछे रखा सारा सामान, और चप्पल जूते लेके आए थे, जूते चिंकी पहन के चली गई अपने कोचिंग सेंटर पे, तो उसके जूते लेके आए थे और उसकी चप्पल भी लेके आनी थी, फिर चप्पल उसने पसंद नहीं आई, घर में डेली यूज़ की थी, फिर उसने मना कर दिया कि कोई नहीं ठंड है तो जूते ही ठीक है, तो वो अपने जूते ले आई थी, और चप्पल तो वैसे पुरानी कई जोड़ी पड़ी है वो पहन लेगी, सर्दी में जूते की ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो ले आई अपने जूते, अभी वो पहन कर जा रही है तो मैं दिखाऊंगी वो आने के बाद कि कैसे जूते लेके आए हैं। दो तीन दुकानों पे गए थे, सेम ही चल रहे हैं आजकल। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग, और तो आज की वीडियो में आप भाई पूरा देखा करो और लाइक करा करो, कमेंट करके बताया करो, शेयर भी कर दिया करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ओके बाय, फिर मिलेंगे।